मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत पोएट्री सेक्शन में हम आपकी पोम नंबर जो सेकंड है उसका अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी पोम नंबर 1 को समझा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोम नंबर 2 और उसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम मतलब अविकसित जो बस्तियां रहती हैं, जहां पर पूरा प्रॉपरली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरह डेवलप नहीं रहती हैं, और मतलब छोटी आय वाले लोग जो वहां पर जाकर के रहते हैं, जो ढंग से पूर्णतया विकसित नहीं होती हैं, उसमें प्रॉपर सीवर सिस्टम और ये सब चीज की व्यवस्था नहीं होती है, बिना लाइट के छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में जो एरिया रहते हैं वो स्लम कहलाते हैं। तो वहां पर एक प्रारंभिक स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल वहां पे, उस क्लासरूम का वर्णन इस पोम के अंतर्गत किया गया है। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर 909 टू 1995 वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसिस्ट। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। अब स्टीफन स्पेंडर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अंग्रेजी कवि रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे निबंधकार भी रहे हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज छोड़ दिया और डिग्री भी प्राप्त नहीं की, और उसके बाद वो कहाँ चले गए, बर्लिन चले गए इन 1930 में बर्लिन जाके शिफ्ट हो गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड declared himself to be a socialist and pacifist. अब यहाँ पर जो स्पेंडर थे, उनको बहुत ज्यादा गहरा लगाव था किस चीज के लिए, राजनीति में था, और उन्होंने अपने आप को एक समाजवादी और एक शांतिप्रिय समाजवादी के रूप में घोषित किया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रीचर, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ही हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लेखन कार्य भी किया, उसमें उन्होंने कौन कौन सी लिखी, पोम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड, और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये भी इनकी एक फेमस रचना रही है। और जो एलिमेंट्री क्लासरूम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो है, ये एक ऐसी रचना है, एक ऐसी पोम है जिसमें उन्होंने किस चीज के बारे में केंद्रित किया है, जो स्लम एरिया, जो छोटी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का जो जीवन होता है और उसके अंतर्गत जो वहां पर स्कूल रहते हैं, उनमें बच्चों की कैसी दयनीय दशा रहती है, उन स्कूलों की कैसी दयनीय दशा रहती है, वहां के बच्चों की सोच क्या रहती है, इसको उन्होंने अपने आगे की पोम में समझाया है। तो चलिए बच्चों, अपन समझेंगे इस पोम को। ये पोम है, ये बिल्कुल फ्री वर्जन में लिखी गई है, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं, लेकिन सीधा सीधा कटाक्ष किया गया है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज, द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease, his lessons from his desk. At back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. अब यहाँ पर जो poet है, जो कवि है, वो क्या बता रहा है कि जो स्लम एरिया में जो प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल के जो स्कूल खुले हुए हैं, वहां पर कैसे बच्चे आ रहे हैं। तो जनरल सी बात है कि जो हम बड़े स्कूलों में देखते हैं, बच्चे प्रॉपरली यूनिफॉर्म में रहते हैं, अच्छे उनके
मेरे लिए मतलब बहुत खुशी वाले चेहरे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सब कैसे हैं? फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, उनके फेसेस कैसे हैं? बड़े उदास हैं, जैसे बच्चों में एक बचपना रहता है, जैसे समुद्री लहरें पूरे समय कैसी रहती हैं, हिलती डुलती रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, या हवाई हवा हवा जो बहती है कैसी लहरों के रूप में, वो भी कितनी अच्छी खुशनुमा रहती है। तो उन सब से दूर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मतलब बच्चों के चेहरे में कोई लाइवलीनेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। अब यहाँ पर रूटलेस वीड्स द हेयर, यहाँ पर हमको ये समझना है वीड्स का अर्थ होता है खरपतवार, ऐसे अनवांटेड प्लांट जो कहीं भी उग आते हैं, घास हैं जो बड़ी बड़ी सी। तो बता रहे हैं कि उन बच्चों का जो चेहरे हैं, देयर पैलर, पैलर यानी पेल फेस है, यानी पीले पीले मुरझाए हुए से उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और उनके जो बाल हैं वो पूरे चारों तरफ कैसे अस्त व्यस्त टाइप के फैले हुए हैं, जैसे जंगली खरपतवार उग आते हैं, इसी प्रकार से उनके बाल भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब अस्त व्यस्त बालों वाले पीले चेहरे वाले बच्चे वहां दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बताते हैं पोएम, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब वहां पर देखते हैं तो एक लंबी लड़की टॉल गर्ल वहां रहती है, कैसी रहती है, उसका चेहरा वजन से झुक जाता है। तो वजन किस चीज का रहता है, यहाँ वजन का अर्थ चेहरे के वजन से नहीं है, यहाँ वजन का अर्थ है उदासी वाला चेहरा, कि जैसे उसको कोई चीज चाहिए हो और उसको मिल ना पा रही हो, उसके बाद जो उदासी उस बच्ची के चेहरे पे आ रही, ऐसे वो एक लंबी लड़की दिखाई देती है, एक लड़की वहां वो दिखाई देती है। सेकंड क्या बता रहे, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग मतलब जस्ट लाइक पेपर नहीं, मतलब इतना दुबला पतला लड़का जिसको अपन पेपर या कागज का पन्ना भी कह सकते हैं, तो इतना पतला लड़का, दुबला पतला लड़का दिखाई दे रहा है, सेकंड में नहीं, पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज। रेड्स आईज, अब आपने चूहे की आंखें देखी है, चूहे की आंखें कैसी रहती है, एक तो छोटी छोटी रहती है क्योंकि इसको कुपोषण है, बाहर निकली हुई छोटी छोटी आंखें, तो कुपोषण के कारण इसकी आंखें बाहर निकल गई हैं, छोटी छोटी हैं। लेकिन रेड साइज से तुलना पोएट ने इसलिए की है कि चूहे की आंखें कभी स्थिर नहीं रहती, आप देखो वो हमेशा यहाँ वहां मुंडी हिला हिला के देखता रहता, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसी प्रकार से इस बच्चे को जैसे कुछ बहुत कुछ चाहिए हो, ऐसी आंखों वाला ये बच्चा वहां दिखाई दे रहा है। The strange unlucky hair of twisted bones, और उसकी जो bones है, शरीर की जो आकृति है वो कैसी है, bone उसकी कैसी हो गई, धनुषाकार आकृति, bone बुरी हिल गई है, तो ऐसी bones वाला, टेढ़ी मेढ़ी bones की आकृति वाला वो लड़का दिखाई दे रहा है। Reciting a father's gnarled disease, यानी ये एक अनुवांशिक बीमारी जिसके पिता को भी है, हड्डियों के तिरछेपन की वो वाली बीमारी जो gnarled disease है, उसको ये वहन कर रहा, क्योंकि एक अनुवांशिक बीमारी इस बच्चे को भी है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों की। इस प्रकार से ये बच्चा दिखाई दे रहा है। His lesson from his desk, और वो वहां से क्या कर रहा है, पाठ नहीं पढ़ रहा, वो अपने बारे में चर्चा कर रहा है इन सब चीजों की, कि मेरे पिता को ये बीमारी हो गई, मुझे ये परेशानी है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और बोलते हैं कि उसके पीछे, इसी क्लासरूम के पीछे एक, जिसको ध्यान नहीं दिया है अपन ने, एक ऐसा बहुत स्वीट एंड यंग, यानी एक बहुत ही मनमोहक और यंग युवा टाइप का एक लड़का बैठा हुआ है, वो स्वीट एंड अननोटेड यंग बॉय, उसकी आंखें लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में वो क्या देख रहा है, एक सपना देख रहा है, बैठा तो क्लासरूम में है लेकिन क्या देख रहा, सपना देख रहा है। किस चीज का सपना देख रहा है, किस चीज का ड्रीम कर रहा, आर्ट स्क्वेयर्स गेम, जो गिलहरियां रहती है ना पेड़ों पर चढ़ती हैं, पेड़ में होल रहता है, तो वो वहां पर एक सपना देख रहा है कि एक पेड़ के होल बना के उन्हें अपना कमरा बनाया हुआ है, और उसमें गिलहरियां क्या कर रही हैं, खेल खेला कर रही हैं, ऐसा वो सपना वहां से, डिम लाइटेड, मतलब डिम लाइट एंड पुअरली लाइट, बहुत कम प्रकाश है इस कमरे में, और वहां पर बैठ करके वो प्यारा सा बच्चा एक गिलहरियों के खेल का प्यारा सा सपना देख रहा है, मतलब उसको वहां का वातावरण रास नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखें बच्चों, पढ़ते हैं अपन, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप।
their world. Where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of world. अब यहाँ पर क्या बता रहा कि उस कमरे की, उस क्लासरूम की दीवारें कैसी हैं? On sour cream walls, मैंने ऐसा कलर हो गया है, इतना ज्यादा भदरंगा टाइप का कलर कि अप्रिय हो गया है. सोर क्रीम का लिटरली उसका मतलब होता है कि खट्टी क्रीम, मतलब किसी को अच्छी नहीं लगेगी वो क्रीम खाने में. इसी प्रकार की जो दीवार के जो रंग है वो कैसे हैं, अप्रिय हो चुके हैं. वहां कुछ चंदे में दी गई डोनेशन है, चंदे करके मिली उस स्कूल को जो चंदे में मिली है, उनमें कौन कौन सी चीज इस स्कूल में चंदे में मिली है और इन दीवारों पर टंगी है. तो उसमें पहला है शेक्सपियर्स हेड, यानी एक शेक्सपियर जो प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं उनका चित्र टंगा हुआ है, और क्लाउडलेस एट डाउन, और उषा काल यानी प्रातः काल की बिना बादलों वाली जो सुनहरी दोपहली जो तस्वीर रहती है, बहुत प्यारी सी तस्वीर रहती है, वो तस्वीर टंगी हुई है. सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और बड़े बड़े विकसित शहरों के ऊंचे ऊंचे गुंबद वाले जो चित्र हैं वहां पर टंगे हुए हैं. बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और टायरोलीज वैली का फूलों से भरी हुई घाटी का एक चित्र भी वहां पर टंगा हुआ है. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहां पर एक खुले हाथों से बनाया गया दुनिया का जो नक्शा है वो भी टंगा हुआ है. अब इस नक्शे के बारे में पोएट क्या बोलता है कि ये तो मनचाहा रंग भरा गया है ताना शासकों द्वारा, मन चाहे रंग से उन रंगों को बनाया गया, उन तस्वीरों को बनाया गया है जिसमें बड़े बड़े चित्र सुंदर साफ सुथरे वाले दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ही एक मैप, वर्ल्ड मैप बना के वहां पर टांगा हुआ है. मतलब उस गंदे से उबाऊ क्लासरूम के अंदर बहुत सुंदर सुंदर चीजें टंगी हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़े उपन्यासकार शेक्सपियर का भी चित्र लगा हुआ है, बहुत सारे मैप लगे हुए हैं, बहुत सारे सुंदर फूलों वाली घाटियों के चित्र लगे हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हैं. आने लोगों ने दुनिया के अंदर भी दुनिया बनाई हुई है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन इन बच्चों के लिए इन चित्रों का, इन नक्शों का कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी जो दुनिया, वो जो क्लासरूम की जो खिड़की है, इसके बाहर की जो दुनिया है वही उनके लिए दुनिया है. वो उसी का सपना देखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं. Where all their futures painted with a fog, fog यानी कोहरा, धुंध. जब धुंध या कोहरा रहता तो अपन को उसके आर पार दिखाई नहीं देता. तो वो यही बोल रहे हैं कि इनके लिए ये खिड़कियां ही इनका भविष्य है, जहां से इनका भविष्य दिखाई नहीं देता. मतलब कोहरे से उनके भविष्य को भी धुंधला कर दिया गया है, मतलब इस इन क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य निश्चित नहीं है. A narrow street sealed in with a lead sky far, far from rivers, caves and stars of world. और इनका जो जीवन है, इनके जो भविष्य की गलियां हैं, वो बहुत ही संकीर्ण गलियों से निकलता हुआ, और इनको जो आसमान भी मिला वो कैसा पॉल्यूटेड है, बहुत ग्रे ब्लूइश टाइप का आसमान, जहां पर कुछ भी साफ सुथरा वातावरण मौजूद नहीं है, लेने को ढंग से सांस भी मौजूद नहीं है. तो इस प्रकार से ऐसे इनको जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी ये वहां कितने दूर हैं उन नदियों के बारे में, नदियों के पास जाने से. केप्स यानी समुद्र का वो नुकीला उठा हुआ हिस्सा, तालाब या समुद्र के बीच में जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, अंतरीप, उसको केप्स कहते हैं. उनसे दूर हैं. स्टार्स ऑफ वर्ड्स माने अच्छे अच्छे शब्दों से भी ये दूर हैं, मतलब इतनी बुरी तरह से ये बच्चे इन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट देखें, थर्ड पैरा. Surely Shakespeare's is with the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children, their skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. Like bottle beds on stones, all of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. अब यहाँ पर
कवि बता रहे हैं कि इन चित्रों में जो शेक्सपियर का चित्र टंगा हुआ है तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर का क्या मायने रखता है। भले ही भी बहुत अच्छे लिटरेचर के बहुत बड़े वो थे, उपन्यासकार थे और बहुत उनका इतिहास में स्थान है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन इनके लिए तो शेक्सपियर कैसा है, दुष्ट और बुरा है। ये मैप जो टंगा हुआ है ये एक बहुत बड़ा बहुत बुरा एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये दुनिया तो उनकी है ही नहीं, जो चित्र वहां टांगे गए हैं वो उन बच्चों के लिए तो है ही नहीं। जैसे कि हम देखें विद शिप्स, जो जहाज है, जो सन है, सूर्य है, और जो प्रेम का एक उनको प्रेम का जो माहौल मिलना चाहिए, ये सारी चीजें उनको आकर्षित करती है कि हम इन सब चीजों को चुरा लें। मतलब वो बच्चे इन सब चीजों से वंचित हैं, इसलिए वो इन सब चीजों को क्या करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी स्लाइली यानी धीरे धीरे गुप्त रूप से उनको पता भी नहीं चलेगा, और इसी प्रकार से उनके एक संकीर्ण होल से निकलती हुई उनकी जिंदगी एक धुंध से निकलती हुई एंडलेस नाइट यानी कभी भी ना खत्म होने वाली अंधेरी रात में बदल जाती है। ये उनको गुप्त रूप से पता भी नहीं चल पाता। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन टीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और इस कचरे कबार के ढेर पर गुजरता हुआ ये जो बचपन है, ये जो बच्चे हैं, वो इतने दुबले पतले, इतने ज्यादा कुपोषित हैं कि जो उनकी स्किन है, जो उनके शरीर के ऊपर की जो त्वचा है, वो कैसी उनके अंदर से हड्डियां दिखाई दे रही हैं। मतलब इतने ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं कि जो स्किन है वो सिर्फ एक आवरण मात्र है हड्डियों को ढकने का। उन्होंने जो चश्मे पहने हुए हैं वो भारी स्टील के बने हुए ग्लासेस हैं, और मैंडेड ग्लास ने मोड़े गए कांचों से बनाए गए हैं, जैसे कि और उसमें क्या हो गए हैं, बहुत सारे ब्रेक्स आ गए हैं। जैसे एक बॉटल को क्रश करते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे उसमें दरारें आ जाती हैं, ऐसे ग्लास वाले चश्मे उन बच्चों ने पहने। मतलब इतनी गरीबी है कि वो क्या कर सकते हैं, एक ढंग का चश्मा भी नहीं बनवा पा रहे। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो मैं ये बता दूं कि जो बड़े बड़े महान नक्शे बनाने वाले चित्रकार जो बैठे हैं उनके मानचित्र पर ये गंदी बस्ती का जो नक्शा है वो एक बहुत बड़े कलंक की तरह है। नेक्स्ट देखें बच्चों, इतना बता रहा है कि बच्चे इतने परेशान हैं, ऐसी बदहाली का जीवन जी रहे हैं जहां उनका भविष्य निश्चित नहीं है, तब वो बड़े लोगों को और उन लोगों के लिए क्या मैसेज देता है, क्या बोलता है उनको, तो देखते हैं अपन लास्ट पैरा में। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break open till they break the town and show the children to green fields and make their worlds run azure on gold sands and let their tongues run naked into books with white and green leaves upon history their whose language is the sun। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो गवर्नर है, जो प्रशासक है, जो निरीक्षक है, जो आगंतुक है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, आप सब ये ध्यान रखें कि संसार का जो तुमने नक्शा बनाया है इतना अच्छा, उनमें इन बच्चों का भी नक्शा मिला दो, यानी संसार को इतना विस्तारित करो, इतना प्रयास करो कि इनका नक्शा भी उस संसार के नक्शे में चला जाए। मतलब इनकी कंडीशन हम कैसी करें, अपग्रेड करें, और इनकी जिंदगी को हम कैटेकॉम की तरह जीना बंद कर दें। कैटेकॉम का मतलब जो भूगर्भ में जो कब्रगाह रहती है, एक के ऊपर एक ग्रेवयार्ड जैसे इसमें रख दिए जाते हैं शवों को, एक के ऊपर एक, अनिश्चित रूप से धुंध और बंद माहौल से इनको हम बाहर निकालें। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब तोड़ दो इन कब्रगाहों जैसे जीवन को जो इन बच्चों को मिला हुआ है, इनको तोड़ दो, और तब तक तोड़ते रहो जब तक इनको टाउन यानी ये स्लम एरिया से निकल के कहाँ आ जाए, अच्छे शहरी वातावरण में, अच्छी नागरिकता और अच्छे सुशासित रूप में आ जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को हरे हरे घास के मैदानों की तरफ ले चलो, मतलब खुलेपन में ले चलो। And make their world run azure on gold sands, और उनका संसार ऐसा कर दो कि वो सुनहली रेतों वाला संसार, जिस पर चल करके वो नीले नीले समुद्रों को अच्छे से देख सके, उनका enjoy कर सके, उस ऐसा जीवन उनको मिल जाए।
रन मेड इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स. अब क्या बोलते हैं, ये वहां पहुंच सके, कहां पहुंच सके, बिल्कुल मुक्त हृदय से सफेद पृष्ठों यानी पुस्तकों वाली दुनिया में. यहाँ पर पोएट ने वाइट और ग्रीन दो चीजें बोली हैं. यहाँ वाइट का मीन है बुक, ज्ञान के रूप में, और ग्रीन का यहाँ पर उन्होंने रिजेंबल किया है नेचर के. तो उनको पुस्तकों के ज्ञान की तरफ ले चलें, उनको नेचर के करीब ले जाया जाए. हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज द सन. इतिहास उसी का होता है जो सूर्य के जैसी ऊष्मा युक्त, ऊर्जा युक्त बातें करते हैं और उसको बना के रखते हैं. तो मतलब यहाँ पर लास्ट में पोएट ने ये बताया कि इनको, इन बच्चों को, स्लम एरिया में रहने वाले और उनके उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हम उनकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाएं, उनको आगे खुले आसमान, खुले वातावरण और खुलेपन और ज्ञान की दुनिया की ओर ले जाएं. तो बच्चों ये था हमारा पोम नंबर 2. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर